चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट्स पार्ट 11। बिफोर गोइंग अहेड ऑफ पार्ट 11 प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड प्रीवियस पार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल के साथ अगर कार्बोनेट है तो एक मेटल कार्बोनेट सॉल्ट हो गया, अगर मेटल के साथ सल्फेट है तो मेटल सल्फेट सॉल्ट हो गया, अगर हेलोजन है तो हेलोजन के साथ आपके सॉल्ट हो गए, ठीक है, फॉस्फेट है तो आपके पास फॉस्फेट के साथ सॉल्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ मेटल के साथ ये सब लग जाते हैं तो एक सॉल्ट का नाम ले लेते हैं। हम बात करते हैं सॉल्ट्स की फैमिली होती है, क्या होती है, फैमिली। तो सॉल्ट्स की फैमिली के लिए या तो मेरा मेटल मैच करे, मेटल मैच करे मीन्स जैसे मैंने कहा आपसे कि MgCO3, ठीक, अब MgCO3 और मैं कहती आपके पास MgSO4, तो ये हो गया मैग्नीशियम सॉल्ट्स फैमिली, ये मैग्नीशियम की सॉल्ट फैमिली हो गई। ठीक, अब ऐसे ही मैंने कहा आपसे एक हो जाता आपके पास कि AgNO3, ठीक, और एक हो गया मेरे पास कि MgNO3 का होल ट्वाइस। अब ये जो मेरे पास सॉल्ट है ये भी एक फैमिली है, बट यहाँ पर क्या है कि ये मेरा टर्म मैच कर रहा है जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। अगर मेरा रेडिकल मैच कर रहा है तो ये मेरी नाइट्रेट फैमिली हो गई, बस समझ आ गई। तो सॉल्ट की जो फैमिली होती है वो मेटल मैच करता है तो मेटल के हिसाब से उसकी फैमिली का नाम दे देते हैं, और अगर रेडिकल आपका मैच कर रहा है तो रेडिकल के नाम से उसकी फैमिली का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि केवल रेडिकल के बेसिस पे ही हो, बात क्लियर होगी। तो इसमें क्या, मेटल के बेसिस पे भी हम उसकी फैमिली बना सकते हैं और उसके रेडिकल के बेसिस पे उसकी फैमिली बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सॉल्ट्स की कुछ फैमिलीज होती हैं। हमारा दूसरा टॉपिक आता है पीएच ऑफ सॉल्ट्स, क्या आता है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए सॉल्ट की जो पीएच होती है हम जनरली जानते हैं कि पीएच जो होती है उसकी कितनी होती है, 7, बस नहीं, जो सॉल्ट की पीएच है वो हम जनरली जानते हैं कि वो 7 होती है, लेकिन शायद आपको पता हो कि ये जो पीएच होगी दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स। और जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उनकी पीएच होती है 7, और कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, ठीक, और एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, ये दोनों और ये तीनों सॉल्ट्स कहाँ से बनते हैं, मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अगर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या देंगे, एक सॉल्ट और प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एसिड अगर बेस रिएक्शन के साथ करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो सॉल्ट जो देंगे वो देंगे न्यूट्रल सॉल्ट, कैसा देंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, बस समझ आ गई। और अगर आपके पास बेसिक सॉल्ट चाहिए, क्या चाहिए, बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट के लिए जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, प्लस वीक एसिड, और इस केस में जो आएगा वो होगा आपके पास बेसिक सॉल्ट, क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक, ऐसे ही अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है, तो इस केस में जो आएगा वो आएगा आपके पास एसिडिक सॉल्ट, क्या आएगा, एसिडिक सॉल्ट, बात क्लियर होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले इसका एग्जांपल, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, प्लस HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ से जो सॉल्ट आएगा दैट इज NaCl और ये होगा आपके पास न्यूट्रल, कैसा होगा, न्यूट्रल। तो ये मेरे पास हो गया एक न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही हम अपने पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेक बेस ले सकते हैं, उसके हिसाब से जितने भी सॉल्ट आएंगे सब न्यूट्रली होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस मैंने जैसे ले लिया आपके पास NaOH, अभी थोड़ी देर पहले लिया था, वीक एसिड जैसे मैंने ले लिया आपके पास CH3COOH, ठीक, जो आपके पास
एसिटिक एसिड होता है बहुत ही वीक होता है, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर लिया तो इससे जो रिएक्शन होगी तो ये बनेगा आपका CH3COONa+H2O। अब ये जो आपके पास सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट है, ये होगा बेसिक सॉल्ट। कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट, इसका नेचर बेसिक होगा, इसलिए हम कहते हैं इसको बेसिक सॉल्ट। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा आपके पास HCl, क्या हो गया HCl, और वीक बेस। अब वीक बेस का मतलब हो गया जैसे कि कोई एक ऐसा मेटल जो एम्फोटेरिक हो, कैसा हो एम्फोटेरिक हो, और एम्फोटेरिक में क्या होता है AlOH का होल थ्राइस, ठीक, ये होता है वीक बेस, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेरा एम्फोटेरिक मेटल है। तो HCl प्लस के साथ मैं रिएक्शन करूंगा तो यहां से बनेगा मेरे पास AlCl3+H2O, ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। बात क्लियर होगी? ओके, और एक और वीक ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा HCl+NH3, ठीक है, ये भी एक बेसिक होता है, ठीक। अब हम इसको बात करेंगे तो यहां से जो मेरे पास बनेगा, ओके, लेकिन यहां से वाटर नहीं आएगा, बस में यहां से वाटर नहीं आएगा, लेकिन ये आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl, बस में आएगी। तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, और इस सॉल्ट को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। बात क्लियर हुई? तो ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो बनेगा आपके पास न्यूट्रल बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो बनेगा बेसिक सॉल्ट, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम उसको एसिडिक बेसिक और सॉल्ट की कैटेगरी में भी डिवाइड कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।